पहुंच गए 83 kgs तक भी। 83 फाइनली। गुड मॉर्निंग स्माइल करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज फाइनली मेरा वेट 83 kgs हो रखा था, सुबह दोबारा से कम होने लग गया। एंड मैंने अपना व्लॉग शेड्यूल कर दिया है, आज जो पब्लिश होगा, आज 10th पब्लिश होगा। सो बहुत बढ़िया। अभी मैं चलता हूँ नहाने, नहा धो के फिर जॉब के काम पे बैठेंगे। उसके बाद लेट्स सी आज क्या क्या काम है। एंड एक चीज़, इनका फाइनली घोंसला रेडी हो चुका है। बढ़िया बढ़िया। चलो अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये देखो, पीकॉक इज रेस्टिंग ऑन अ नीम का पेड़। मैं अभी इस रूबिक्स क्यूब को मिक्स करूंगा और उसके बाद टाइमर लगा के मैं देखूंगा कि कितना टाइम मेरे को लग रहा है इसको सॉल्व करने में। मेरा पर्सनल बेस्ट है 2 मिनट 56 सेकेंड। अभी देखते हैं कि कितनी देर में सॉल्व कर पाता हूँ मैं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लूँ, उसके बाद टाइमर लगा के और फिर करते हैं। ठीक है। अब मैंने मिक्स तो कर दिया ये रूबिक्स क्यूब, अब एक बार ही टाइमर ऑन करते हैं और हो गया स्टार्ट। देखो भाई साहब, 2 मिनट 7 सेकंड, 7.99 सेकंड, मतलब 2 मिनट 8 सेकंड में सॉल्व कर दिया। पराग, तेरा रिकॉर्ड टूटने वाला है। आ रहे हैं थोड़े थोड़े शेप्स, आ रही है मसल्स में दोबारा से वापस। बाइसेप्स का साइज घट गया मेरा जब से मैंने फैट लॉस शुरू किया है। मेरा 15.5 पौने 16 तक पहुंच गया था। 15.5 तो खैर पंप के बाद था, 15.5 लगा लो, 15.5 के करीब पहुंच गया था। और अब लेफ्ट वाला 15 है, राइट वाला ओनली 14.5 है, तो दोबारा से कम हो गया। आई नो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कमेंट्स में अपना मत बताना भाई, मेरे को पता है बाइसेप्स मेरे वीक हैं, पर ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा भाई। और थोड़ा सा फैट लॉस मुश्किल इन चीजों ने भी कर रखा है। देखो, मोतीचूर के लड्डू हो गए, गुलाब जामुन हो गए, और दिखाऊं? और देखो, बेसन के लड्डू और भाई जलेबी भर के, बूंदी के लड्डू भाई, बर्फी, बस इन सब ने मेरा फैट लॉस मुश्किल कर रखा है। लेकिन हम भी स्लोली एंड स्टेडीली चलते ही जा रहे हैं। 83 kgs तक तो पहुंच ही गया, 76 टारगेट है, देखते हैं कब तक पहुंचेगा। इस हिसाब से बहुत स्लो चल रहे हैं, पर ठीक है, अपना मन भी तो कुछ चीज होती है ना, खाते पीते रहो यार। भाई मौसम इतना बढ़िया हो रहा था कि मैंने सोचा थोड़ा सा घूम ही आते हैं खेतों की साइड। आज बहुत टाइम बाद ऐसे शाम को बाहर निकला हूँ, वरना लैपटॉप की स्क्रीन के आगे ही बैठा रहता था। ये देखो भाई, गेहूं के खेत हैं ये, ठीक है, और ये लामनी हो रखी है, मतलब कट रहे हैं ये सारे, तो इसका पता नहीं किस चीज़ का क्या था। ये देखो, ये सरसों कटी हुई है, उधर देखो अभी भी वो काट रहे हैं। इसे बोलते हैं देसी भाषा में कि लामनी हो रही है, ठीक है, तो फसल को काटा जाता है उसे बोलते हैं लामनी। अब ये जो रोड पे पक्षी बैठा है ना, इसका नाम नहीं पता मेरे को, घर जाके पापा से पूछूंगा, पापा बताएंगे। तो ये जो पक्षी है ना, ये उस दिन हम जब बारात में गए हुए थे, रात को नहीं, मतलब सुबह 4 बजे ये उड़ रहे थे रोड पे। ये उड़ गया, तो इनका पता नहीं यार क्या हिसाब है, ये सोते नहीं है क्या। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है भाई ऐसे आके। आई थिंक रेगुलर बेसिस पे आना पड़ेगा ऐसे घूमने, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। चप्पल पहना है वरना रनिंग कर लेता थोड़ी बहुत,
कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स करेंगे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जिम जाके हो ही जाएगी। ठीक है तो भाई अपना घूमा फिरा करो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। अभी मेरा फोन बज रहा है भाई, वीडियो रोकनी पड़ेगी। अभी अभी ना एक चीज़ स्ट्राइक की मेरे दिमाग में, जैसे ये लोग हैं वहाँ पे जो फसल काट रहे हैं, उनको जितनी वो पूरा दिन मेहनत करते हैं उस हिसाब से कंपनसेशन उनकी बहुत कम होती है। तो अगर आपकी जॉब इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाली नहीं है और आपको ठीक ठाक पैसा मिल रहा है ना, तो यू शुड बी ग्रेटफुल। अब वो अलग चीज़ है, आप सेटिस्फाइड हो उसमें नहीं हो, वो आपका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन इस चीज़ की वजह से ना कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई ये, देखो देखो। और इनको आई डोंट नो कि कितने मिलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन कम ही मिलते हैं। एक जो मज़दूर होता है वो भी मेहनत करता है और उसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो आई थिंक, मतलब क्रक्स समझो कि यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग यू हैव। यार अभी अभी एक आइडिया आया मेरे को, लेकिन आइडिया बहुत लेट हो गया। उधर सनसेट हुआ है, मैंने आराम से देखा है, उसका टाइम लैप्स बनाता कितना कितना सेक्सी लगता भाई। कोई नहीं, कल आ जाऊँगा। कल के लिए नया कंटेंट आइडिया। चलो अब घर चलते हैं, सनसेट हो चुका है, लेट्स गो। ये भाई गांव का जोड़, ये वाला जो रोड है ना, ये टिपिकल गांव वाली वाइब होता है मेरे को। और ये भाई हमारे गांव का मंदिर है, जय बजरंगबली। तो यार अभी मैं स्टैंड अप कॉल अटेंड कर रहा हूँ, बज चुके हैं 7, और स्टैंड अप कॉल अटेंड करते ही आज जिम जाऊँगा। कल मैंने सोचा कि मतलब नितिन नहीं आ रहा तो शूट वूट कैसे होएगा, तो जिम की मैंने छुट्टी कर ली थी, लेकिन नितिन आज भी नहीं आ रहा और मैं ऐसे छुट्टी नहीं कर सकता। तो देखते हैं कैसे रिकॉर्ड होंगी वीडियोस, अभी तो मैं बस कॉल अटेंड कर लेता हूँ, सीधा जिम में मिलते हैं। ठीक है, बस मैं जिम के लिए निकलने ही वाला हूँ अभी, लेकिन मैंने देखा भाई साहब 198 सब्सक्राइबर्स, अब मेरे लिए तो भाई ये बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। 200 होने वाले हैं, 2 दिन में हो जाएंगे 200, 2 दिन में 2 सब्सक्राइबर तो आ ही जाने चाहिए, लेट्स सी। चलो अब जिम चलते हैं। आ गए भाई ब्लॉगर्स जिम के अंदर, अब आज डेडलिफ्ट करेंगे, बैक डे है। अभी जल्दी से वार्म अप कर लेता हूँ बहुत बढ़िया वाला, फिर चलते हैं वर्कआउट करने। आज मैंने प्लान किया है बिल्कुल कम रेस्ट के साथ वर्कआउट करूँगा और पूरा इंटेंस, देखते हैं कैसा रहता है। अब चलते हैं, पुलअप्स वगैरह करेंगे, थोड़ा लैट्स का अच्छे से वार्म अप करते हैं, बाकी बॉडी का तो हो गया, फिर करेंगे आज डेडलिफ्ट बढ़िया वाली। अपने स्ट्रेंथ के अनुसार हैवी मारूंगा, 150 तक तो ट्राई करेंगे सुमो। अब भाई कमेंट में हंसना मत मेरे ऊपर, डेडलिफ्ट में बहुत कम मारता हूँ, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे करके, डेडलिफ्ट भी बढ़ा लेंगे। 6-7 अटेम्प्ट लिए मसल अप के, 2 लग गए, अब पुलअप्स के देखते हैं, 3 सेट मारेंगे फिर करते हैं डेड। हो गया 1 सेट, वो मसल अप में हो गया भाई, अब डेड लिफ्ट में मारनी है, थोड़ी एनर्जी बचा के रखनी है। और 150 किलो की लग गई, 1 रैप लग गया,
दोबारा फिर से ट्राई कर रहा था, लेकिन वो हाइप होती है ना वो चली गई थी, मेरे को समझ आ गया था नहीं लगेगा। अभी मैं रॉड का वेट कैलकुलेट नहीं कर रहा प्रॉपर, इनका प्लेट्स का 150 किलो है और सही है, आई एम सेटिस्फाइड। अब करते हैं लैट पुल डाउन वगैरह और देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है डेडलिफ्ट करके भाई साहब। लैट पुल डाउन हो गई और 69 kg के अभी 6 रेप निकाले हैं, सही है। वेरी वेरी हैप्पी अगेन, बहुत अच्छा लग रहा है आज वर्कआउट में, काफ़ी फट रही है ना आज, इंटेंस वर्कआउट चल रहा है आज। डंबल रनिंग चल रही है अभी, 35 किलो का तो हो गया एक सेट, 40 करेंगे फिर 50 करेंगे और अगर हालत बची तो 50 के 2 करेंगे। Getting there. आ रहा है सब स्ट्रेस, हाँ बोला नहीं जा रहा, स्ट्रेंथ भी आ रही है स्लोली और फैट भी कम हो रहा है स्लोली। प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाने के लिए, लेकिन अब जब से थोड़ा थोड़ा चेंज करके करने लगा हूँ ना, अब अलग लेवल मज़ा आता है। तो अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड थोड़े दिन के लिए साइड रखते हैं, जब तक ऐसे चेंज कर करके मज़ा आ रहा है। चेंज करते रहेंगे, बॉडी को मसल्स को शॉक करते रहेंगे, देखते हैं। मतलब शॉक वॉक कुछ नहीं कर रहा मैं बस मज़े के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि वही सेम वर्कआउट थोड़ा शरीर को आदत सी पड़ गई थी। अब ठीक है, अब चेंज करते रहेंगे, देखते हैं कब तक चेंज करते करते मारूंगा, फिर कभी मन किया फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लेंगे। ज़िंदगी भर वर्कआउट करना है यार, अब रुकूंगा थोड़ा। अब चल रहे बाइसेप्स का सुपर सेट, एक स्पाइडर कर्ल कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे बैठ के कर्ल्स कर रहा हूँ मशीन पे, और उसके भी 2 वेरिएशन, बिल्कुल मिनिमम रेस्ट लेके जल्दी से ख़त्म करते हैं, टाइम बहुत हो गया, 9:20 हो गए, जल्दी से वर्कआउट ख़त्म करते हैं। बाइसेप्स डेड, बाइसेप्स से ज़्यादा कालजा डेड, कालजा करती। चलो भाई फोरआर्म्स की मार लेते हैं एक दो सेट, वर्कआउट कर लो। हो गया भाई, हो गया, फोरआर्म्स का भी वर्कआउट डन, रिवर्स कर्ल्स किए हैं और इसे हम कलाई रस्सा बोलते हैं, वो जो बाद में किया है उसे भाई अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो नहीं पता। हो गया वर्कआउट, हो गया, जी बिल्ली कट गया कितनी, ऐसे ही होना चाहिए वर्कआउट। चलो अब चलते हैं घर, घर जाके कुछ खा पी लेते हैं, लेट्स गो। सरप्राइज, मैं घर पे नहीं पहुंचा अभी भी, मैं अभी भी जिम में बैठा हूँ। जिम वाले गोलू भैया फ़ोन नहीं उठा रहे, अभी वेट करते हैं थोड़ी देर और। टाइम कितना हो गया, टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, 9:40 हो गए बैठे हुए, मेरे को 10 मिनट हो चुकी हैं, 10 से ज़्यादा ही हो गई होंगी। लेट्स सी कितनी देर में फ़ोन उठाते हैं, एक बार दूसरे फ़ोन पे भी फ़ोन करके देखता हूँ। क्विक अपडेट, आज जिम का ताड़ा मुझे ही लगाना है, भाई नहीं आ पाएंगे और बस अब सारी लाइटें बंद करके
एक लाइट चलते छोड़ के ताला लगा के चलते हैं। लेट्स गो। नो यू कांट सी मी। वेलकम होम। अभी अभी यार ने डिनर कर लिया है और भाई साहब डिनर में मैंने चार फुल एग खाए हैं, होल एग मतलब, और तीन एग वाइट खाए हैं उसके अलावा प्लस करके, और एक मग हल्दी वाला दूध पिया है, ठीक है, और प्रोटीन वोटीन तो चल ही जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, मैंने आज 1.5 तो मोतीचूर का लड्डू खाया है भाई, और एक गुलाब जामुन खाया है, और भाई 1.5 जलेबी खाई है, उसके बाद भी 150 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया है मैंने, और कैलोरी बैलेंस जो मेरा होता है, कैलोरी काउंट जो होती है, जो कंज्यूम करनी होती है, वो भी एक्सीड नहीं हुआ। तो भाई साहब अगर आपको टेस्टी खाना खाना है, अपनी मनपसंद खाना भी खाना है और फैट लॉस भी करना है, तो भानुडागर व्लॉग्स देखते रहो। मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे करके कैसे अपनी कैलोरीज भी कम रखें, और मीठा मीठा नहीं, जो भी आपको पसंद है, पिज्ज़ा पास्ता जो भी खाना हो भाई, वो उसके साथ साथ आप फैट लॉस भी कैसे कर सकते हैं, आई विल शो यू इन माई वीडियोज़। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके सिखाते जाएंगे।